अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ मेथी चिकन की रेसिपी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। आधा किलो मैं यहाँ पे मेथी यूज़ कर रही हूँ, आधा किलो चिकन, एक टमाटर, अदरक, चार जवे लहसुन के, 7 अदद हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और एक बड़े साइज़ की प्याज। सबसे पहले मैं टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्चों को ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर में मैं हरी मिर्च और अदरक लहसुन ऐड करूँगी। टमाटर के 2 पीसेस करके इसे ग्राइंडर में ऐड कर देंगे, एक टमाटर के 4 पीसेस करके, ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। मेथी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैं देगची में ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम पहले गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम इसके नीचे हाई है, इसके नीचे हमने फ्लेम हाई रखी हुई है, इसलिए इसका ख्याल रखना है साथ कि ये जल ना जाए। हमने इसका कलर लाइट ब्राउन करना है। प्याज का कलर मैंने ब्राउन कर लिया है, अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूंगी। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट इसमें बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैं सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दूंगी और मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। दही डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो मेथी का कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप दही की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं और जो दूध की बलाई होती है वो, या फिर मिल्क क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मेथी चिकन का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। मसाले को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे हम। चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि उससे मेथी का जायका थोड़ा अजीब हो जाता है। चिकन को 5 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे भून लिया है, अब मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी। मेथी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। क्या बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और इजीली तैयार भी हो जाती है। इसे अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया है, अभी इसे मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी कवर करके। 25 मिनट के लिए इसे मैंने लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है, अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। मज़ेदार मेथी चिकन की रेसिपी बन के तैयार है, आप इसे ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।